और BHU में होली खेलने पर पाबंदी लगने के बाद छात्रों में भारी विरोध देखा जा रहा है और इसी बीच विश्व हिंदू परिषद भी इस विवाद में कूद पड़ा। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने विश्वविद्यालय प्रशासन का एक ऑर्डर ट्वीट जारी करके लिखा कि ये परिपत्र है या कोई तुगलकी फरमान, कहीं ये विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द हटाने की शुरुआत तो नहीं। विनोद बंसल ने विश्वविद्यालय प्रशासन से ये फरमान वापस लेने की मांग की है। उधर फरमान जारी होते ही BHU के सैकड़ों छात्रों ने प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए परिसर में ही होली खेलनी शुरू कर दी। कला संकाय के छात्रों का कहना है कि उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन के नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होली खेलना बंद नहीं करेंगे क्योंकि होली खेलना उनका अधिकार है। और उधर बिहार के पूर्णिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल से जानलेवा स्टंट करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में वो अपनी मोटरसाइकिल पर खड़े होकर उसे सड़क पर दौड़ाता हुआ नजर आया। इस दौरान वहां से कई दूसरी गाड़ियां भी आती जाती नजर आई, लेकिन इसके बावजूद वो काफी देर तक सड़क पर जानलेवा स्टंट करता रहा। इसे देखकर आसपास से गुजरने वाले लोग भी हैरान रह गए। गनीमत यह रही कि स्टंट के दौरान वहां कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो लड़के को गंभीर चोट भी आ सकती थी। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भारत अपनी सुरक्षा बढ़ाते हुए देश में बनी ATAGS तोपों की तैनाती करेगा। ये दोनों देश हमेशा भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में तो यह खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहां तक सेना के जवान तो किसी तरह पहुंच जाते हैं, लेकिन घातक हथियारों की तैनाती में काफी परेशानी होती है। इसी चुनौती को देखते हुए सेना ने रक्षा मंत्रालय को 307 नई ATAGS तोप खरीदने का प्रस्ताव दिया। माना जा रहा है कि इन तोपों की खरीद पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बड़ी डील मेक इन इंडिया मुहिम के तहत ही होगी, क्योंकि ATAGS तोपों का निर्माण सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर किया है। और पिछले साल ही इस घातक तोप का परीक्षण भी किया गया था, यानी अगर इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ATAGS तोपें वजन में दूसरी तोपों से बहुत हल्की हैं, इसीलिए इन्हें आसानी से चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इन तोपों की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि चीन इनके गोलों की मार सह नहीं पाएगा। यही नहीं, ATAGS तोप की रेंज 50 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक अपने टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। रक्षा जानकारों के मुताबिक पहाड़ी युद्ध में टैंक या बख्तरबंद गाड़ियां कोई खास काम नहीं आती, लेकिन पहाड़ों की ढलानों और चोटियों में छिपी तोपों की मार भीषण होती है। इसी वजह से सेना ATAGS तोपों को जल्द से जल्द हासिल करना चाहती है, ताकि वो सीमा पर पाकिस्तान या चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे सके। सऊदी अरब के एयरबेस पर 8 भारतीय विमानों ने लैंड किया। इसे दोनों देशों के रक्षा संबंधों में मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भारत के लड़ाकू विमान कभी भी सऊदी अरब की धरती पर नहीं उतरे थे। और ये पहली बार है जब 26 फरवरी को एक साथ भारतीय वायुसेना के 8 विमान सऊदी अरब के एक एयरबेस पर उतरे, जहां उन विमानों में ईंधन भरा गया और उनकी जांच की गई। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब रक्षा जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है और इसी वजह से सऊदी अरब ने रक्षा क्षेत्र में भारत से अब तक दूरी बना रखी थी, लेकिन अब उसने भारतीय विमानों को अपनी जमीन पर उतरने की इजाजत देकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है, जिससे पाकिस्तान का चिढ़ना तय है। उसे इस बात का डर है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ